उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। आज इसी हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब आगे किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, किसके नाम आगे चल रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे अलग अलग एजेंसियों के सर्वे पर, बताएंगे कि कौन किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बना रहा है। क्या बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई तय है या फिर भाजपा अभी भी वहां उनके सामने कमजोर है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे उन चूहों के बारे में जिन्होंने 25,000 लीटर से ज्यादा शराब पी लिया है। हरियाणा के चूहे शराब पीकर कहीं गायब हो गए हैं। चूहे ने शराब हरियाणा के पुलिस थानों से पिया है। फिलहाल ये चूहे पूरी तरीके से नशे में है और उम्मीद है कि नशा कम होते ही फिर वापस थाने में आएंगे, तब हरियाणा पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। सबसे अंत में बात करेंगे बाटला हाउस इनकाउंटर पर। एक बार फिर से बाटला हाउस इनकाउंटर को लेकर बहस छिड़ चुकी है। क्यों भारतीय जनता पार्टी बाटला इनकाउंटर को लेकर कांग्रेस पार्टी की नेताओं पर हमलावर है? क्यों रविशंकर प्रसाद सोनिया गांधी को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के राजनीति की। पिछले कई दिनों से चल रहे उठापटक के बीच आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेनी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पिछले कुछ समय से लगातार उत्तराखंड भाजपा के कुछ विधायक और मंत्री उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। जब उत्तराखंड भाजपा में विवाद ज्यादा बढ़ने लगा तब केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली से पर्यवेक्षकों को भेजा जिन्होंने भाजपा विधायक और सांसदों के साथ एक बैठक की और अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा था। उसके बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना इस्तीफा सौंप देंगे। अब दो नाम जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं वह है धन सिंह रावत और सतपाल महाराज का। इन दोनों में से किसे भारतीय जनता पार्टी नया मुख्यमंत्री बनाएगी यह तो विधायक दल की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफे के बाद कहा कि यह केवल भाजपा में ही संभव है कि एक साधारण परिवार से आने वाले किसी व्यक्ति को 4 साल तक राज्य की कमान सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि लगभग 4 वर्ष तक मुझे भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सेवा करने का मौका दिया। आपको उत्तराखंड के बारे में बता दें कि अभी तक कांग्रेस के एनडी तिवारी के अलावा कोई और अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है। एनडी तिवारी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं जो साल 2000 में बंटवारे के बाद बने थे। अब आते हैं दूसरे खबर पर। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी पूरे चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर ममता बनर्जी तक जी जान से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल चुनाव में इतनी बड़ी सफलता मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह बात तो लगभग शुरुआत से ही साफ हो चुकी थी कि इस बार भाजपा का प्रदर्शन हर बार के मुकाबले अच्छा होने वाला है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों ने अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से होनी है। भाजपा के नेता चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यह सारे बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए जी जान से लगे हुए हैं। अब क्या भाजपा के नेता ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने में सफल हो पाएंगे, इसका ठीक ठीक जवाब तो नहीं पता, लेकिन सर्वे में बताए गए आंकड़े काफी हद तक आपको फिलहाल के माहौल को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एबीपी न्यूज और सीएनएक्स के सर्वे में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलेगी। हालांकि ममता बनर्जी इस बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनी रह सकती हैं, क्योंकि उनकी पार्टी राज्य में बड़ी बढ़त के साथ 154 से 164 सीट जीत सकती है। अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी की पार्टी फिर से बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हो जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में बड़ी बढ़त मिलेगी और वह राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। भाजपा को 102 से 112 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना भी आए तो भी उसके लिए 100 के पार जाना एक बड़ी कामयाबी होगी। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के गठजोड़ को पश्चिम बंगाल की जनता नापसंद करती हुई दिख रही है। इनके पास सिर्फ 22 से 30 सीट आ सकती है। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटों के लिए मतदान होना है। इसके अलावा एबीपी न्यूज के सर्वे में पुद्दुचेरी में भी भाजपा कांग्रेस को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए को वहां 18 सीट तो वहीं यूपीए को 12 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं असम में भी एनडीए गठबंधन यूपीए पर भारी रहने वाला है। सबसे बुरा हाल भाजपा का केरल में है जहां वो सिर्फ 1 सीट जीती हुई नजर आ रही है। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में भी ममता बनर्जी फिर से सत्ता में वापस लौट रही है। वहीं कांग्रेस तथा लेफ्ट पार्टी को भारी नुकसान होता दिख रहा है। अब आते हैं अपने तीसरे खबर पर। खबर आई है कि हरियाणा के फरीदाबाद में
कई थानों से चूहों ने कई हजार लीटर शराब पी लिया है। अब यह मामला किसी एक थाने का नहीं बल्कि 25 अलग अलग पुलिस थानों से आई है। चूहों ने 1,000-2,000 लीटर नहीं बल्कि 29,000 लीटर शराब पिया है। इतना ज्यादा शराब गायब होने के बावजूद कोई अधिकारी गंभीरता से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इतना ज्यादा शराब कैसे गायब हुआ और कहां गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पूरी खबर यह है कि फरीदाबाद के 25 अलग अलग पुलिस थानों के मालखाने से करीब 29,000 लीटर शराब गायब हो गई। अगर पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि यह शराब कहां चली गई सिवाय चूहों के पीने के। फरीदाबाद पुलिस के पास करीब 50,000 लीटर कच्ची और देशी शराब थी, 30,000 लीटर अंग्रेजी शराब और 3,000 बियर के केन थे। यह सब जब्त की हुई शराब थी। अब इनमें से करीब 20,000 लीटर कच्ची तथा देसी और 9,000 लीटर अंग्रेजी शराब गायब हो चुकी है। यह सब खुलासा फरीदाबाद पुलिस के आंकड़ों से हुआ है। खैर, चूहे तो आजकल हर जगह के शराबी हो गए हैं। कभी बिहार के चूहे तो कभी हरियाणा के चूहे हजारों लीटर शराब पी जाते हैं। अक्सर जब पुलिस थानों से शराब गायब होती है तो पुलिस विभाग इसका सारा दोष चूहों के सर पर लाद देती है। अब तो हमें लगता है कि पुलिस विभाग को चूहों को पकड़ने के लिए भी कोई खास अभियान चलाना ही चाहिए। अब आते हैं अपने अंतिम और चौथे खबर पर। दिल्ली के चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर में जैसे ही साकेत कोर्ट का फैसला आया तो भाजपा एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। साकेत कोर्ट ने अपने फैसले में बाटला हाउस केस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को दोषी करार दिया है, जिसके बाद से भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि क्या सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद जैसे नेता माफी मांगेंगे। उन्होंने मांग की है कि ये सारे नेता अपने बयानों पर माफी मांगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि हम राजनीति छोड़ देंगे। जिस आतंकी को कोर्ट ने सजा सुनाया है उसका नाम आरिज खान है। वह बाटला हाउस एनकाउंटर के समय फरार हो गया था, लेकिन 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब कोर्ट की तरफ से आरिज खान को दोषी करार दे दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी उसे हर हाल में भुलाना चाहती है। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि केवल वोट की राजनीति के कारण कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और ममता बनर्जी की पार्टी ने आतंकवाद की लड़ाई में सरकार को कमजोर किया। 15 मार्च को कोर्ट आतंकी आरिज खान उर्फ जुनैद के सजा का ऐलान करेगा। आज के जनता एक्शन शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई खबर के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।